नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएचओ एग्जाम के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मम्स डिजीज। सीएचओ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर इस चैनल पर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। आप भी चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मम्स डिजीज एक वायरल डिजीज है। मम्स डिजीज इज अ वायरल डिजीज एंड कॉज्ड बाय द पैरामिक्सो वायरस। मम्स डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कि पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मम्स डिजीज ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलने वाला डिजीज है। ड्रॉपलेट्स वर्ड का सिंपल मतलब आप समझे, जैसे पानी की बूंदे होती है ना, उसी तरह से पर्सन के माउथ से कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदे या सलाइवा की बूंदे या कुछ भी किसी भी सिक्रीशन की बूंदे हो सकती है। जब कोई पर्सन छींकता है या फिर खांसता है तो उसके माउथ से छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, उसे ही हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है, उसके मुंह से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में कोई अदर पर्सन आ जाए तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। मम्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 सप्ताह का होता है, जिसमें हम एवरेज 4 से 18 दिन मानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी डिजीज के इंफेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आता है और फिर वो इंफेक्शियस एजेंट उसके शरीर में जाके अपनी डिजीज साइकिल को स्टार्ट करता है और इसके कारण शरीर के अंदर जब पहला सिम्टम आ जाता है तो ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं मम्स डिजीज के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सबसे पहले आता है फीवर। सबसे पहले पर्सन को फीवर आएगा, उसके बाद पर्सन की जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर पेन एंड स्वेलिंग आ जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड होती कहां पर है, आपका जो टॉन्सिल वाला रीजन है इसके थोड़ा सा ऊपर, यहां पर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर। पैरोटिड एक सलाइवरी ग्लैंड है जो कि माउथ में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है। तो जो पर्सन मम से इंफेक्टेड हुआ है उसकी जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर पेन होगा, सूजन आ जाएगी। इस कंडीशन को हम पैरोटाइटिस के नाम से जानते हैं। आप लोग सभी जानते हैं आइटिस वर्ड जहां भी लगता है इसका मतलब होता है इंफ्लामेशन। पैरोटिड ग्लैंड में इंफ्लामेशन आना पैरोटाइटिस कहलाता है और ये इस डिजीज का इंपॉर्टेंट साइन है, इसीलिए हम मम्स को पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इस डिजीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की, ओवराइटिस। फीमेल्स के अंदर मम्स के कारण ओवरी में इंफ्लेमेशन आ सकती है, इसे हम ओवराइटिस कहते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर यदि इंफ्लेमेशन आ जाए तो इसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं और इसके कारण मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। मम्स डिजीज में अदर कॉम्प्लिकेशन में है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेनिनजियल लेयर्स के अंदर यदि इंफ्लेमेशन या सूजन आ जाए तो उस कंडीशन को हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो टोटल 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब है इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। हमारे मस्तिष्क के अंदर सूजन का आना एंसेफेलाइटिस कहलाता है और मम्स डिजीज में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस मींस इंफ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास। नेक्स्ट इज डीपनेस, बहरापन। और एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है लास्ट में, मम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैन कॉज एबॉर्शन। यदि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मम्स डिजीज होता है तो उसे एबॉर्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन पर्पस के लिए। अब हम बात करते हैं मम्स डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में। मम्स डिजीज को हम वैक्सीन का इस्तेमाल करके आसानी से रोक सकते हैं। मम्स डिजीज की रोकथाम हेतु MMR वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। मीजल्स मम्स रूबेला इसका पूरा नाम है। ये वैक्सीन 0.5 ml दिया जाता है और सबक्यूटेनियस रूट द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। MMR वैक्सीन की फर्स्ट डोज 9 टू 15 मंथ्स की एज पे लगती है, जबकि सेकंड डोज 4 टू 6 इयर्स ऑफ एज पे लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था मम्स डिजीज के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।